गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम के विषय में। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है और उस बाइनरी नंबर सिस्टम में एक्चुअली ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर तक के नंबर लिखने का तरीका हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अरेंज करते हैं आपका डेसिमल नंबर। जो डेसिमल नंबर होता है वो जीरो से शुरू होकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15 ये टोटल आपका हो गया 16 नंबर्स फ्रॉम 0 to 15 और ये नंबर है आपका डेसिमल नंबर। ओके, अब हम इस डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर लिखने वाले हैं। तो किसी भी नंबर का बाइनरी नंबर हम कैसे लिखेंगे, कुछ नंबर ऐसे जैसे अप टू 15 हमको याद होने चाहिए, तो उसी का तरीका हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बाइनरी नंबर हम कैसे लिखेंगे। ओके, तो बाइनरी नंबर में सबसे स्टार्टिंग जब तक हम 8 तक जाएंगे, अप टू 7 आपका 8 नंबर्स होंगे, 0 से लेकर 7 तक 8 नंबर, और ये रेंज ऑक्टल नंबर सिस्टम का हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले ऑक्टल नंबर सिस्टम जब आप यहाँ तक लेके जाएंगे तो चलिए एक बिट लेके चलते हैं। अगर हम 0 के लिए 0 बनाते हैं तो फिर 1 के लिए ये नंबर 2 हो जाएगा, जैसे 0, 0 and 0, यह डेसिमल 0 के बराबर है। और 3 बिट जब हम लेते हैं तो वह नंबर आपका ऑक्टल डेसिमल नंबर सिस्टम में होगा। दूसरा होगा 0, 0, 1। और लिखने का तरीका स्टूडेंट ध्यान रखिए, यहाँ पे आपका बताया था हमने कि बाइनरी नंबर का सबसे राइट वाला जो हम LSB कहते हैं और MSB कहते हैं, तो वो होता है 1, उसके बाद आगे का होता है 2, नेक्स्ट 4, उसके बाद होगा आपका 8। इसी के नीचे हम लिख रहे हैं, उसको क्लियर करेंगे। तो पहला हो गया आपका 0, 0, 0। नेक्स्ट 1 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर होगा 0, 0, 1। अब ये जिसके नीचे 1 आ रहा है वो हमारा ट्रू होगा, तो यहाँ पर सब 0 है तो यानी कि 0 हो गया, यहाँ पर 1 है तो इसका वैल्यू 1 हो गया। अब हमको 2 चाहिए तो आप 2 के नीचे 1 लिखिए, बाकी दोनों 0 लिखिए। इसी तरह सिंपल मेथड टू राइट बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर्स। नेक्स्ट हमको थर्ड चाहिए, तो थर्ड में देखिए हमारे पास थर्ड में क्या क्या हो सकता है, 2 and 1 जोड़ने पर थर्ड आ सकता है, तो आप 1, 1 कर दीजिए, इसको 0 कर दीजिए। फिर हमको 4 चाहिए, तो यहाँ पे 4 एग्जिस्ट कर रहा है तो आप यहाँ लिखिए 0, 1, 0, 0। ओके, नेक्स्ट आपका 5 है, तो 5 के लिए आपको 4 and 1 लेना होगा, तो आपका 5 मिल गया। नेक्स्ट आपका 6 है, तो 4 and 2, 6 हो गया। और लास्ट आपका 7 है, तो 4, 2 and 1। अब आप इसके आगे नंबर नहीं लिख सकते क्योंकि 3 जो अंक आपने लिया है बाइनरी नंबर का वह मैक्सिमम ये 8 नंबर को ही डिफाइन कर सकता है, क्योंकि इस बाइनरी नंबर का फार्मूला जो होता है वो होता है 2n। ये नंबर सिस्टम का फार्मूला होता है बाइनरी नंबर का, 2n, यानी कि n इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट, या आप बिट्स कह सकते हैं, नंबर ऑफ बिट्स। ओके, अब यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स आपके 3 हैं, अब यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, नंबर ऑफ बिट अगर 2 यानी 2n2 = 4, यानी कि बाइनरी के 2 बिट अगर हम लेते हैं तो मैक्सिमम हम 4 नंबर को ही डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम बाइनरी के 3 बिट लिए तो 2n3 8 नंबर को हम डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमने 4 बिट लिया तो 16 नंबर्स को, और यही 4 बिट लेने के बाद हमको लास्ट में यहाँ 15 यानी टोटल 16 नंबर्स मिलते हैं जो हेक्साडेसिमल नंबर के रेंज में आते हैं। तो चलिए अब हम फिर लिखते हैं नंबर 8 के लिए। ये फार्मूला जो हमने अभी लिखा है यहाँ पे वो होता है आपके 2n, जहाँ पर n इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स। ओके, अब 8 के लिए जब आप लिखने जाएंगे तो आपको 4 बिट चाहिए, क्योंकि ये 3 बिट में आपका काम नहीं चलेगा,
तीन बिट में मैक्सिमम हम 8 नंबर्स को डिसाइड कर सकते हैं, जो कि 7 तक समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर 4 बिट के लिए आपको एक और एक्स्ट्रा 0 लेना होगा, ओके। तो इन सब के आगे आपको 0 बढ़ाना होगा, तब ये जाके 4 नंबर के नंबर होंगे, जबकि इस 0 बढ़ाने से आपके नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 8 का हो जाएगा, अब यहाँ पे 8 ऑलरेडी है, तो 8 का हो जाएगा आपका 1000, ओके। 9 का हो जाएगा 8 and 1, 9, ओके। उसी तरह से 10 का हो जाएगा 8 and 2, 10। 11 का हो जाएगा 8011, यानी कि 8, 2, 10 और 1, 11। 12 का हो जाएगा 12 का 8 and 4, 12। 13 का 8, 4 and 1, 13। और 14 का होगा 8, 4, 2, 8, 4, 12 और 2, 14। और लास्ट 15 का हो जाएगा 8, 4, 2 and 1। तो ये आपका लास्ट हो गया 15 नंबर्स के। तो ये टोटली 15 नंबर्स के बाइनरी नंबर हम कैसे फाइंड आउट करें, आज के क्लास में हमने ये देखा। और आप आसानी से 15 तक के बाइनरी नंबर लिख सकते हैं और इसको याद भी रखेंगे, जिससे कि नंबर कन्वर्जन में आपको इसका सहयोग मिलेगा। नेक्स्ट, इसी नंबर को अगर हम हेक्साडेसिमल नंबर में लिखते हैं तो यहाँ तक नो प्रॉब्लम, यहाँ तक तो ठीक है, ओके। लेकिन 10 के बाद हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ये सभी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक तो आपके नेचुरल नंबर जो है वो यूज होंगे। लेकिन 10 के बाद, 10 के लिए हेक्साडेसिमल नंबर में ए एंड 11 के लिए बी, 12 के लिए सी और 13 के लिए डी, 14 के लिए ई और लास्ट 15 के लिए एफ का प्रयोग होता है। इस प्रकार से आपका बाइनरी नंबर का जो रेंज बनता है वह होता है 0 to n 1, बेस इसका होता है 2। ऑक्टल नंबर का जो रेंज बनता है वो होता है 0 to 7, बेस होता है 8। और हेक्साडेसिमल नंबर का जो रेंज होता है 0 to 9 और प्लस ए टू एफ, रेंज होता है 16। और डेसिमल नंबर सिस्टम का जो रेंज होता है 0 to 9 और बेस होता है इसका 10। और इसी तरह मैंने बताया था कि आप किसी भी नंबर सिस्टम का इस तरह से प्रणाली बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो 0 to 5 अगर करते हैं और इसका बेस हम 6 रखते हैं तो ये एक अलग प्रकार का नंबर सिस्टम बन गया। इस तरह से इसका जनरल जो फार्मूला होगा वो होगा 0 to n और n+1। और ये फार्मूला फॉलो करके आप किसी भी अलग नए नंबर का नंबर सिस्टम का निर्माण कर सकते हैं, ओके। तो आज के क्लास में हमने देखा कि किसी भी डेसिमल नंबर को आसानी से बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे और उसके फार्मूला जो है वो कैसे प्रयोग करेंगे। तो उसका फार्मूला 2n होता है और जितना बिट आप लेंगे उतने नंबर का निर्माण हो सकता है, ओके। थैंक यू।